हेलो दोस्तों, हम आपके लिए साइंस का ऑब्जेक्ट तो कुछ लाए हैं जो मैथिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। यही है कि ज्यादा करके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से 5 जरूर आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चले शुरू। पहला, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में न्यूनतम होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। ऐसा राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेंस की एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। सातवां क्वेश्चन को बढ़ते, प्रकाश किरण का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, किरण आरेख कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूरी क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। तब कॉफी किताब पर रख के जांच लीजिएगा, हम जांच कर चुके इसलिए 50 सेंटीमीटर होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा, प्लस 2D होगा। दसवां क्वेश्चन, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। दस, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नींद में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं।